अच्छा अक्षय सर, आनंद सर, ट्रेलर को इतना सारा प्यार मिला, अक्षय सर आपकी एक्टिंग को इतना प्यार मिल रहा है अलोंग विद द फोर सिस्टर्स, कैसे लग रहा है इतना सारा प्यार? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना सारा प्यार मिलता है, बहनों का प्यार मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी चारों बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और मतलब ये कह सकता हूँ कि फिल्म तो चलो जब रिलीज होगी, जो फिल्म के साथ लोगों को अच्छी लगेगी, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद मिला और इन लोगों के साथ काम करके मतलब अपनापन कहीं महसूस ही नहीं हुआ कि भले मेरी रियल सिस्टर इस फिल्म को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन इन शॉर्ट आई वुड से आई हैव जस्ट एंजॉयड माई सेल्फ वर्किंग इन दिस इज माई वन ऑफ माई मोस्ट बेस्ट फिल्म आई हैव डन इट इन माई लाइफ, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दीज लवली लेडीज सिटिंग हियर एंड मिस्टर आनंद राय, माई डायरेक्टर ऑफ माई फिल्म, who has actually broken his own record. इन्होंने कभी जिंदगी में दो साल में सिर्फ एक ही फिल्म डायरेक्ट की, मैंने इनको एक डेढ़ साल में दो फिल्में डायरेक्ट करवा दी हैं और इस बेचारे से बहुत काम करवाया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सूख गए हैं थोड़े से सो बस दैट्स इट। आनंद सर सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, कैन वी प्लीज विश आनंद सर अ वेरी वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ये अगर नहीं है ना तो हमारे जीवन में जितनी सारी स्मॉल टाउन ब्यूटीफुल यू नो रीलिविंग दोज मेमोरीज गेटिंग बैक टू द फीलिंग्स वाली वो वाली फिल्में हैं ही नहीं, छोटी छोटी चीजें, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें। हैव यू ऑलवेज बीन इतने ऑब्जर्वेंट जैसे जब से आप यू नो यू वर ग्रोइंग अप तब से हर छोटी चीज में बहुत एफर्ट नजर आता है सर आपकी फिल्मों में? नहीं, सबसे पहले मैं अक्षय सर की बात को कि इनको लग रहा है इन्होंने मुझसे बैक टू बैक दो फिल्में इतनी जल्दी कराई, इन्हें नहीं पता मैं ही करना चाह रहा था इनको दिखाया मैंने ऐसे कि इनके कहने पे कर रहा हूँ, पर मेरा इनको छोड़ने का मन ही नहीं था। एनीवेज मैं तीसरे की तैयारी करता हूँ एंड रिगार्डिंग स्मॉल टाउन थिंग, मुझे नहीं लगता मैं स्मॉल टाउन को लेकर इतना ज़्यादा वो हूँ, पर मैं समहाउ अपने मिडिल क्लास से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जिसको बोलते हैं जितनी सच्चाई से, मुझे लगा कि और कुछ नहीं आता मेरे को, मेरा अपना जो मेरा जो मिडिल क्लास है उससे जो सीखा हूँ और जो वो वाली मेरी रूट्स हैं उसके साथ कितना सच्चा रह सकता हूँ, कैसे उसको मैं पर्दे पर उतार सकता हूँ वो कोशिश करता हूँ जी। मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे डब्बा तीन लेवल का डब्बा था मेरा, यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी, मैंने सोचा अभी पता नहीं कैसा लगेगा, बट इट रियली सीम्स एवरीथिंग, हर चीज यहाँ पे अक्षय सर से लेके एवरीबॉडी ओवर हियर ऑन द फ्लोर जस्ट गिव्स यू वेरी होमली वाइब। ठीक है, खाना खा रहे हैं, काम करना है, थोड़ा बहुत बोल देंगे, घर चले जाएंगे, मजे आएंगे, 11 अगस्त को पिक्चर देखेंगे, सो इट्स ऑलवेज अ वेरी होमली फैमिली फीलिंग, सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आनंद सर एक क्वेश्चन है आपके लिए, ट्रेलर में हमें सॉन्ग में चांदनी चौक देखने मिला, पर चांदनी चौक आपने मुंबई में क्यों बनाया इस बार? मुंबई में क्यों बनाया? मुंबई में आपने बनाया राइट सर? नहीं, मेरा बड़ा मन करता है, मैं जब मैं आया यहाँ पे 93 में दिल्ली से बॉम्बे, और जो चीज़ मैं यहाँ पे, मेरे को बॉम्बे ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, बट जो चीज़ मैं आज तक मिस करता हूँ वो है वहाँ का खाना, वहाँ का, और जब मैं खाना बोल रहा हूँ उसका मतलब प्यार, मुझे लगता है खाने से ही प्यार बढ़ता है, और मेरा बड़ा मन करता है कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे यार जहाँ यहाँ पे हैं मुंबई में जिन्होंने दिल्ली का कुछ नहीं खाया, मैं किसी तरह उनको वो वाली दुनिया ला के दे दूँ, तो ये मुझे मौका मिला इस फिल्म से कि मैंने हर जगह इस फिल्म के साथ वो कर सकूँ कि चांदनी चौक के नाम पे मैं दिल्ली आप लोगों के पास ला सकूँ। अक्षय सर, इस फिल्म में आप चार बहनों के साथ हो, रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? ना, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने। On that lovely note, can we call the sisters to the brother? Can we please put our hands up together? Raksha Bandhan ki char bahut hi nice, very sweet, lovely sisters on stage. Sadhya, Deepika, Smriti and Sahajmeen. Set to hone do, acha matlab itne kacche kapde pehne.
है ना, lovely you guys are looking. Thank you so much for being in this movie and thank you for giving us the flavor जो हर बहन को feel होता है. जिंदगी भर झगड़ा करते रहेंगे लेकिन जब जाएंगे तब रो के जाएंगे, यू नो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, राइट. आप चारों के लिए एक सवाल तो ये है ही, और मैं तब्बू जी का रेफरेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे. तब्बू जी ने एक बार कहा था कि वो सिंगल आज तक इसलिए हैं क्योंकि अजय देवगन ने जो भी लड़का आया है उनके जीवन में पीछा छुड़ा दिया उससे. तो क्या अक्षय सर भी ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप हैं? क्या आपके बॉयफ्रेंड्स को आने नहीं देते थे सेट्स पे? क्या आप खुद नहीं आने देती थी? मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट क्लैरिफाई एनी वन ऑफ यू. So I would want to tell, it's not regarding any boyfriend या boyfriend या ऐसा कुछ नहीं है. I am pretty sure कि sir बहुत supportive होंगे उस sense में. But एक incident है इसी जो गाना हमारा launch हुआ है इसमें एक scene है जिसमें हम सब जब विदाई हो रहे हैं हमारी बड़ी बहन की, एक emotional scene बनता है जब हम सब रो रहे हैं और एक एक करके हम गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और सर हमें बचाते हैं. वो स्पेशली मेरा बहुत 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 फेवरेट मोमेंट है. और उस सीन में जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसा हो गया था कि हमारी जो बहन है एक, वो थोड़ा सा स्लिप करके गिर गई थी क्योंकि काफ़ी रिस्की और वो था क्योंकि हम लोगों ने हील्स वगैरह पहनी हुई थी और स्टेयर्स से हमें उतर के करना था. पर तो जब गिरी तो सर वॉज द वन जिन्होंने एकदम से मतलब देखा उस तरह उस टाइम पे वो जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटेक्टिव इंसान की तरह बिहेव किया और उन्होंने भाई की तरह इंसान इज इक्वल्स टू भाई प्रोटेक्टिव भाई की तरह तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा उसको उठाया और पूरा एकदम कि नहीं यू शुड मेक श्योर कि भाई किसी को भी कुछ भी इंजरी नहीं हो और ये सब. तो ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था जो मुझे याद रहा मेरे जहन में. तो इट मस्ट हैव बीन अ रायट ना टू वर्क. एक तो आनंद राय का सेट है, ठीक है, कनिका ढिल्लन और हिमांशु शर्मा की लिखाई है, अक्षय सर हैं, भूमि पेडनेकर, व्हाट अ फन टाइम. मतलब मेरे को ऐसा फोमो हो रहा है कि कितने मजे आए होंगे. डू यू वांट टू से एनीथिंग दैट यू प्रॉब्ली मिस के वापस से चलते हैं फिर से एक और बार बनाते हैं जस्ट सो दैट हम नॉस्टैल्जिया में एक बार जा सकें. आई फील वर्किंग इन आनंद राय's फिल्म इज लाइक अ सेलिब्रेशन. डेफिनेटली एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटिंग, वी वर लाफिंग, डांसिंग एंड ईटिंग, प्लेइंग लूडो. But we didn't know what are we celebrating. I guess we were celebrating our lives. Ji. And that was the most beautiful thing about him as a director. What a lovely answer, guys. Now, this totally deserves like a huge, huge, huge applaud. I would like to ask more questions. लेकिन मैं जैसे कि मैंने कहा कि हिमांशु शर्मा एंड कनिका ढिल्लन को बुलाना चाहूँगी बिकॉज किसी भी फिल्म का जो सोल है वो लेखकों के ऊपर मतलब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इट्स देयर ऑन देयर शोल्डर्स. अक्षय सर देख रहे हो तो मैं मेरे लाइन्स ही भूल जाती हूँ. पता नहीं तुम लोग ने काम कैसे किया है. वॉज इट डिफिकल्ट टू वर्क विद अ स्टॉलवर्ट लाइक दिस, कॉन्स्टेंटली इंटिमिडेटेड या कॉन्स्टेंटली इंस्पायर्ड? नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट. इन फैक्ट ही वॉज सो सपोर्टिव. We did not feel that we are working with a superstar. We literally felt that we are working with our brother, our Lala ji, and that's what he is to us. Fab. अच्छा प्रेरणा आप एक बार अक्षय सर को तो पूछ लो. इन चारों ने आपको कितना परेशान किया ऑफ कैमरा? इन चारों ने कितना परेशान किया? टेलर में तो हम देख पा रहे हैं बट नहीं बिल्कुल. अक्षय सर 4 बजे उठ जाते हैं, किसी को मौका ही नहीं देते भाई किसी और को परेशान करने का. परेशान क्यों करेंगे? कुछ भी मस्ती सेट्स पे, कुछ प्रैंक्स अक्षय सर तो करते ही है. नहीं 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 आपने मुझ पे किया था? हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, बहुत बड़ा फेलियर था. बट इनका जो प्रैंक था वो हम बहुत अच्छे से उसमें फंस गए. बट इट वॉज फन. वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट? आई मीन वी वर जस्ट बिटवीन अ सीन, ओके, एंड इट वॉज इन्वॉल्विंग लाइक all of us being serious and you know studying and all, and suddenly we see Lala ji getting milk, okay ji. We're like okay ji. And it's between the scene, okay, so hum like okay la rahe, suddenly you know he falls on you and he drops all the milk on you and we're like oh my god are you okay. And then everybody breaks into the laughter and the jokes on us. Nice. So that's how he is. But let me tell you the truth, there was not even one moment in this entire journey of us ki inhone humko hasaya nahi hai. Like it's all the time a laughter fest with him.